संभल में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। डीएम एसपी ने चार थाना क्षेत्रों के लोगों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की। शिवालयों के सुरक्षा इंतजामों को देखने के लिए खुद एसपी पहुंचे और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर शिवालयों पर वॉच टावर भी लगाए जाएंगे। आगामी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है 21 तारीख को और उसी दिन जुमा भी है, शुक्रवार का दिन है, तो उसकी तैयारियों के संबंध में और शांति व्यवस्था बनी रहे, श्रद्धालुओं और भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, बिजली पानी मार्ग और बाकी सारी व्यवस्थाएं सफाई आदि की बनी रहे और अगर कोई कठिनाई है तो उसका हम लोग समय रहते उसका निराकरण करा ले। इन्हीं उद्देश्यों के साथ शहर के जिम्मेदार नागरिकों की, शांति समिति के सदस्यों की और सभी लोगों की हम लोगों ने थानावार जो है बैठक की है। सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी आने वाले जो महाशिवरात्रि पर्व है उसको दृष्टिगत रखते हुए और आने वाला जो होली का त्यौहार है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार आने वाले समय में इसको चाक चौबंद व्यवस्था रखने के लिए सभी थाना क्षेत्र में पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी। आज सेंट्रल रूप से मैं और डीएम साहब दोनों लोग थाना संभल पर उपस्थित होकर के सभी सप्रांत व्यक्तियों से संवाद स्थापित किए हैं।